हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ फार्मिंग सिम्युलेटर 16। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। जैसा कि पहले एपिसोड में याद होगा कि हम लोग ने पहले क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग के लिए छोड़ दिया था, तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं वो क्रॉप्स कितने तैयार हुए हैं और उसके बाद देखते हैं हार्वेस्टिंग करना है या फिर नहीं। सो लेट्स गो। मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनको पार्किंग के लिए बना दिया और आगे टूल्स को, और आई गेस क्रॉप्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए। So let's go to harvester. Okay, we have switched to harvester. Now let's go. यहाँ पे भी जितने भी इक्विपमेंट्स और टूल्स होते हैं मैंने यहाँ पे उनके लिए बना दिया, और पीछे मैं आप व्हीकल्स को पार्क करता हूँ। पहले हम लोग हार्वेस्टर का हेड ले लेते हैं। Okay, now the tool has been attached. So let's go. यार इतने दिनों में हो गए यार वीडियोस अपलोड किए हुए, लेकिन एक बात अच्छी हुई है, अपने पास पैसे बहुत आ गए हैं। यानी कि अभी हमारे पास है, ये देखो 347,492 डॉलर्स हैं हमारे पास। इससे काफ़ी नए टूल्स और इक्विपमेंट्स हम लोग ख़रीद सकते हैं। वाओ, चलो पहले क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि ये वीट है तो वीट का हार्वेस्टर तो यही है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये क्या, हेडर डाउन और हार्वेस्टिंग शुरू। ये यार थोड़ा फास्ट होना चाहिए था। एक्चुअली मोटर बहुत पुराना है तो ये हार्वेस्टर थोड़ा स्लो चलता है, बट वो मैनेज किया जाएगा। इसको रिवर्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर एक रो को हार्वेस्ट करना पड़ता है। हेडर एक बड़ा वाला लेना चाहिए मुझे। आप लोगों को क्या है, यह कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हार्वेस्टर हमें बड़ा लेना चाहिए या फिर नए इक्विपमेंट्स लेना चाहिए। पैसा हमारे पास अभी बहुत आ चुका है। एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं हार्वेस्ट और हम लोग चलते हैं शॉपिंग। सो लेट्स बाय सम न्यू टूल्स। ट्रांसपोर्ट तो हमें चाहिए नहीं। हार्वेस्टर्स हमारे पास हैं, हेडर्स हैं, बेल टूल्स हैं। ये बेल टूल्स ज़रूर चाहिए होगा। मैं एक लूँगा। ओके, थैंक यू फॉर योर परचेज। यू मे पिकअप योर न्यू आइटम इन द शॉप पार्किंग लॉट। ओके, तो शॉप पार्किंग लॉट ढूंढ के हमें वहाँ जाना होगा। बेल टूल्स हमें ये भी चाहिए होगा। ओके, कल्टीवेटर है, सोइंग मशीन है, फर्टिलाइज़र है, ट्रिपर है, मोवर्स तो चाहिए यार, लेकिन बड़ा मोवर्स में दो ले लेते हैं। ये अच्छा है, ये ज़्यादा कवर कर लेगा, यही लेते हैं। नेक्स्ट टेडर्स भी ले लेते हैं, काम आएगा। अभी हमारे पास 1,24,000 बच रहे हैं, तो विंडरोवर्स भी लेंगे हम। और कुछ बचता है, फॉरेस्ट्री के टूल्स तो बाद में लेंगे, वो काफ़ी महंगे हैं। तो चलो इन्हें लेके आते हैं और इसे लगाते हैं काम पे। एक काम करता हूँ, मैं एक हेल्पर बुला लेता हूँ, वो यहाँ काम कर देगा, मैं उसको पेमेंट कर दूँगा। ये लो, आ गया भैया हार्वेस्टर। ओके, हार्वेस्टर में लग गया हेल्पर। अब ये करेंगे हार्वेस्टिंग और हम चलेंगे अपने नए टूल्स को लाने। सो लेट्स गो। और हमें ये ढूंढना पड़ेगा, ये शॉपिंग मार्केट है कहाँ। पैसा उसे पेमेंट हो जाएगा, वो अपना हेल्पर काम कर देगा अपना हार्वेस्टिंग का, और हम चलते हैं मार्केट। सो लेट्स गो। ये मार्केट, ओके यहाँ पे है ये मार्केट। ओके चलो रास्ता देख लेते हैं एक बार। ओके, हम लोग अभी हैं यहाँ पे। सो इन दो माउंटेंस के बीच से जाना है। चलो ये शायद मैं गया हूँ एक बार, हाँ शायद मैं गया हूँ, चेक करते हैं फिर बताते हैं। यार ये ट्रैक्टर को भी धोना पड़ेगा, बहुत गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा यार, बहुत यूज़ किया है इसका हमने। मतलब जब से स्टार्ट किया है तब से धुलाया ही नहीं है, बस यूज़ करता ही गया।
पूरा डस्ट वस्ट पड़ गया, एकदम ब्राउन हो चुका है मड से, पूरा मडी हो चुका है। चलो इसकी भी थोड़ी सफाई कर देंगे, पहले हम अपने ले आते हैं हम अपने नए टूल्स को। आई गेस यही रास्ता था, हाँ यही था, यही वो रहा वहाँ रहा। लेते हैं एक छोटा सा शॉर्टकट, मैंने दूसरे के फील्ड में ट्रैक्टर गुजार दिया, भाई देखेगा तो मारेगा भाग भाग, यहाँ तो रास्ता ही नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती गुजारा, भाग ले भाई। ये रहा रास्ता, ये एक शॉर्टकट है ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के लिए, तो अच्छा ही रहता उतना ही, तो उतना दूर घूम कर रोड से आओ वहाँ पे। आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया होता उतना दूर घूम। वाह हमारे नए टूल्स आ चुके हैं, एक सेकंड, हमने कितने, 1 2 3 4 5, हमने पाँच ही मंगाया था ना, हाँ हमने पाँच ही मंगाया था। चलो पहले अपने नए बेलिंग टूल को ले आते हैं। पहले इसकी लुक तो देखो यार, न्यू होलैंड, ओके यार ये मशीन तो गजब ही है। चलो लेके चलते हैं इसे, इसे क्या होता है ना जो जो वीड्स हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो कुछ डस्ट टाइप गिरता है, तो उसके भी एक रोल बनाकर बेल बना के उसका हम लोग ना अपने गाय वाय को चारा की तरह से दे सकते हैं, तो उससे भी फ़ायदा होता है, मिल्क गाय को चारा दूध देती है। तो इसको लेके चलते हैं अभी वहाँ, हार्वेस्टिंग तो अपना हेल्पर कर ही रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं लगातार, कट रही है बहुत पैसा काटता है, क्या हो गया पैसे नहीं कट रहे, लगता है कहीं रुक गया, नाश्ता वास्ता नहीं करने लगा, हम लोग वहाँ से हिले वो अपने काम पर लग गया। उसको जा कर चेक करता हूँ अभी, उसको बताता हूँ भाई अपना हार्वेस्टर, अपने हार्वेस्टर हमने दिया पैसे दे रहा हूँ ये फिर भी काम नहीं कर रहा यार, एक सीन वही है ना, हाँ वही है। चलो चल के देखता हूँ क्या हुआ, अच्छा लगता, ओ ओ ओ ओ वो फुल हो गया है, हमें ट्रिपर लेके जाना पड़ेगा। ओके तो पहले मैं इसको लगाता हूँ अपने टूल्स के पार्किंग लॉट में, मतलब पार्किंग लॉट नहीं है, मैंने वैसे मैंने बनाया है कि वहाँ पे सारे टूल्स रखूँगा, अगर बढ़ेंगे तो वो शेड में रख देंगे, पीछे हमें शेड भी दिया गया, हमारे पास शेड भी है वहाँ पीछे में इस साइड, तो शेड में बाद रख में रखेंगे, अभी पहले इसको यहीं लगाते हैं और लेके चलते हैं हमारे ट्रिपर को। ओके रिवर्स, अरे यार इसका रिवर्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉपर जॉइंट्स नहीं होते हैं ना, सिर्फ ऐसे ही हुक सिस्टम होता है तो प्रॉब्लम होता ही है, लेफ्ट घुमाओ राइट जाएगा, राइट घुमाओ लेफ्ट जाएगा। पहले इसको अच्छे से करते हैं पार्क, ओके अब लेके चलते हैं हमारे ट्रिपर को। यार ये सारे इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, सबको धुलवाना पड़ेगा। चलो पहले आज ट्रैक्टर को ही धुलवा लेते हैं। ओके कहाँ हो यार, अच्छा यहाँ है, ये किया हमने लोड, वीट हार्वेस्ट हो चुका है, मतलब हो ही चुका है, थोड़ी सी और है वो ये कर लेगा, तब तक हम इसको लेके चलते हैं और रख देते हैं अपने स्टोरेज गोडाउन में। लेट्स गो, स्टोरेज गोडाउन कहाँ गया, इधर ही तो था, ओ भाई अच्छा हाँ इधर है, भूल ही जाता हूँ मैं। अभी अपने पास नए टूल्स भी आ चुके हैं, नए काम आ चुका है, इसे किया अनलोड, स्टोरेज में हो चुका है स्टोर, तो हम चलते हैं। एक काम करता हूँ इसे वहीं मैं फील्ड में ही लगा देता हूँ, अब हम लोग चलते हैं और टूल्स लाए, तब तक वो अपना अनलोड करके लोड करके जो भी करेगा अपना हार्वेस्टर, मैं हेल्पर लगा दिया है मैंने, वो काम करता रहेगा, पैसा भी हमारा कटते जा रहा है। चलो कोई नहीं, काम तो कर रहा है भाई, काम तो कर रहा है, मानना पड़ेगा। चलो इसे करते हैं
डिटैच, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट को लाने या नए टूल को लाने। हाँ टूल बोल सकते हैं डायरेक्ट, अच्छा वर्ड। हम चलते हैं अपने नए टूल्स को लाने। ओके रास्ता क्या था यार, मैं भूल गया। अच्छा हाँ इधर से था, मैं बार बार उधर ही चल जाता, उधर तो डॉग्स है। नहीं डॉग्स, कुत्ता वाला डॉग्स नहीं, डॉक यार्ड, डॉक यार्ड जहाँ सिर्फ होते हैं, सिर्फ लोड अनलोड करते हैं कार्गो वगैरह वो है। और इधर अपना मार्केट हो गया, पहले जाके मार्केट जाते हैं। अरे यार पहले धुलवा लूँ, नहीं एक काम करता हूँ, जो टूल्स बाकी बचे हैं जो गंदे हैं ना उनको लेके जाऊँगा, उनको धुलवाऊँगा, साथ में ये ट्रैक्टर। अरे यार मैंने ठोक दी थी भाई, लग तो नहीं गई आगे। अरे यार आज क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, आज ठोके जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड, क्या गंदे तो बहुत हो गया, गंदा तो बहुत हो गया, पूरा मड़ मड़ हो गया। अरे हमें तो इधर जाना। ओके ये जितने भी फील्ड्स हैं जिस पर क्रॉस लगे हुए हैं वो हमारे फील्ड्स नहीं हैं, लेकिन जो हमारे फील्ड्स होंगे उस पर क्रॉस नहीं है, ऐसा ही कुछ है। ये जितने भी फील्ड्स पर क्रॉस लगा हुआ है वो सारे फील्ड्स हमारे नहीं है, किसी और के हैं, मतलब बाकी लोग भी हैं इधर तो उनके भी फील्ड्स हैं, लेकिन हमारे फील्ड्स जो होंगे उन पर क्रॉस नहीं लगा, वो खाली होते हैं, ये बात मैंने नोटिस की है। फिर फील्ड्स क्या बोलूँ, अभी तो एक ही है, अब इसे लेकर चल। अरे यार एक सेकंड, ये क्या था, मैं तो इसका नाम ही भूल गया। चलो कोई नहीं, लेकिन मुझे इसका यूज़ अच्छे से पता है, ये एक्चुअली जो वो ग्रास कटिंग में काम आता है, ग्रास कटिंग के बाद अरेंज ग्रासेस को एक रो में अच्छे से अरेंज कर देता है कि बेलिंग टूल्स अच्छे से पिकअप कर सके, तो उसके लिए काम आता है, ये काम आसान कर देता है हमारा, तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। चलो इसे भी लेके चलते हैं। यार एक ट्रैक्टर और होना चाहिए था, ट्रैक्टर की प्राइस कितनी है यार, ट्रैक्टर 52,000 और कितना है वो 98,000। HP तो देखो इसकी 190 स्पीड देती है 40, हमारी अभी कितनी है 28, 29, और देखते हैं 45, 203 कितनी है 194, यार बहुत महंगी है। चलो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं, और पैसे आएंगे तो अब नेक्स्ट टाइम ट्रैक्टर लिया जाएगा, ये एक ट्रैक्टर से बहुत प्रॉब्लम होता है, एक टूल्स लाना चला जाता है दूसरे मतलब वहाँ काम आ जाता है ना। पहले हम अपने इक्विपमेंट्स को तो अपने कितने बड़े, ये देख रहा है ये देख रहा है कितने बड़े बड़े ब्लेड्स और व्हील्स लगे हुए हैं इसमें, बहुत बढ़िया यार। चलो हम अपने फील्ड्स पहुंचने ही वाले हैं, और ये पहुंच ही चुके हैं। ओके ऑलमोस्ट देयर, ये रुका हुआ क्यों है, फिर से रुक गया यार, अजीब ही इंसान है, पता नहीं कहां से आया है। चलो अब इसे पार्क कर देते हैं अपने टूल्स की पार्किंग में जो हमने बनाई है। ओके बहुत बढ़िया यार, इसको घुमाने में भी टाइम लग जाता है इतना, तो देखो यार इसकी साइज देखो। ओके चलो चलते हैं, अब इसके क्या प्रॉब्लम है ये भी देख लेते हैं, क्या हो गया भाई। अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ, अच्छा ये खड़े हैं अभी इसीलिए हार्वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा कोई नहीं, जो ये तो पूरी तरह से वीट में बदल जाएंगे तो हार्वेस्ट कर लेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने और टूल्स को लाने, अभी आई गेस दो टूल्स और होने चाहिए, क्योंकि हमने लेके आया था एक बेलिंग टूल लेके आया, एक ये विंडरोवर लाया, यानी कि अभी टेडर्स। ओ ओ, ओ ओ ओ फिर से मैंने ठोक दिया, क्या हो रहा है आज। क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान, अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। ओके
आज का जब ड्राइविंग कर रहा हूँ यार, दिन भर ठोके ही जा रहा हूँ। चलो चलो चलो, सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच ही गए। बहुत लंबा रास्ता है यार, आने में हालत ख़राब हो जाती है मार्केट बिल्डिंग। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं, और ये अपना है थर्ड आई गेस, थर्ड हाँ थर्ड 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 टूल जो हमने लिया है आज। और ये है हमारा टेडर, जिससे ग्रास को हे में बदलते हैं और वो हमारे गाय के खाने के काम आती है। सो लेट्स गो, इसे भी लेकर चलते हैं अपने फार्म पे और वहीं पे लगाएंगे इसको। पहुंच चुके हैं हम लोग माउंटेन्स के बीच, और इसी माउंटेन के पीछे है हमारा छोटा सा फार्म जो हमने नया नया लिया है। अभी फिलहाल नए इक्विपमेंट्स भी लगाने हैं, अभी बहुत काम है यार, बहुत काम है। ओके ओके, वो हो चुका है हमारा, मतलब कि अच्छा हाँ, वो बीट हो चुका है, यानी कि हमें हार्वेस्टर फिर से चलाना होगा उसको बुला के। फिर से उसी हेल्पर को बुला लेते हैं, काम उतना ठीक तो नहीं, हाँ ठीक ही कर लेता है, तो उसी को बुलाते हैं, वही हमारा काम कर लेगा। तब तक हम जाके अपने नए टूल्स को ले आएंगे वहाँ से, मार्केट बिल्डिंग से। इसको लगाते हैं यहाँ पे। ओके अच्छे से पार्किंग करते हैं इसकी। ओके ये हो चुकी है पार्क, अभी बुलाते हैं अपने हेल्पर को, पहले ले चलते हैं इसको पीछे। यार ऐसा बहुत स्लो चलता है, रिवर्स में बहुत स्लो जाएगा। चलो फ्रंट गियर लगाते हैं, भागते हैं स्पीड में। यार ट्रैक्टर से भी आधी स्पीड है यार इसकी, लेकिन हाँ ये भी है कि मशीन बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी पूरी तरह से गंदी हो चुकी है, एकदम मड़ी हो चुकी है। सो इसकी भी धुलाई करनी पड़ेगी। नहीं, वो धुलाई नहीं, पानी वाली धुलाई, पानी से इसको धोकर साफ़ करना पड़ेगा। हेल्पर आ चुका है, और गाइस इससे मेरी बात हो चुकी है, इसने बोला है ये बहुत ही कम दाम पे हमारा काम कर देगा और हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग चलते हैं। अरे यार इसको छोड़ दे, डिटैच कर दे, नेक्स्ट टूल को लाने चलते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं, बस दो टूल्स और बचे हुए हैं, एक ग्रास कटर है और एक शायद, एक सेकेंड दिख नहीं रहा मुझे यहाँ से ठीक से क्या है, एक तो पक्का ग्रास कटर है, वो मोवर्स मोवर्स बोलते हैं इसको, और हाँ वो ग्रास बेल्स जो होते हैं जो बनाता है बेलिंग टूल, उसे पिकअप करने के लिए वो ट्रेलर है, उसे भी ले चलेंगे, पहले इसे लेके चलते हैं। बहुत स्लो चलता है। एक छोटा अलॉय मिल रहा था वो कम दाम का था, लेकिन वो एक ही साइड से टूल करता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए हमने ये वाला ली है। इसको आप देखो, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं ये दोनों साइड से खोलता है और ज़्यादा एरिया का ग्रास कट करेगा। हाँ मुझे पता है किसी और के फील्ड पर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, जब भी दूसरे के फील्ड पर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ तो ये बोलता है किसी और के फील्ड पर काम नहीं कर सकते। भाई मुझे भी पता है, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या हमें? फिर से उसी रास्ते पर पहुँच चुके हैं दोनों माउंटेन्स के बीच, और इसी माउंटेन के पीछे हमारा फार्म। वी आर ऑलमोस्ट देयर। यार फ्यूल भी अपनी ख़त्म होने पे है, 28 पॉइंट्स। चलो कोई नहीं, इतने में तो टूल्स तो आ ही जाएंगे। अब क्या हो गया? उसने तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यार इस बार किसी प्रॉब्लम में फंसा ना मैं,
छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, पता नहीं क्या ही हुआ है। ओके, समझ गया। हाँ अभी सही जगह आ चुके हैं, इसको करते हैं डिटैच और देखते हैं उससे कि यार उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमने ही गलत पार्किंग कर दी थी ट्रेलर की। चलो पहले हम लोग इसको घुमा देते हैं ऐसे, इतना छोटा सा काम तो हम भी कर लेंगे। उसको मैंने कह दिया टाटा बाय बाय, उसकी फ़ीस ओके, उसकी फ़ीस तो मैंने दे दी थी। चलो उसकी कटिंग करते हैं, हो चुकी है कटिंग। अब इस हार्वेस्टर के टैंक को करते हैं एम्प्टी, ये कर लेगा अपना काम खुद से। हम लोग चलते हैं नए टूल्स खुलाने। फिर से ठोक दिया यार। और ये पहुंच चुके हम अपने आखिरी टूल को लेने, मार्केट बिल्डिंग। और ये हम लोग चले यहाँ से, थैंक गॉड यार ये आखिरी था। लेकिन ये भी बहुत बड़ा ट्रेलर है, इसको भी लाने में हालत ख़राब हुई। चलो फाइनली हमारे पास नए टूल्स आ चुके हैं, तो नया काम भी शुरू कर सकते हैं। चलो 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 जल्दी चलो यार। और ये हम लोग आ चुके हैं अपने आखिरी टूल को लेके अपने फार्म पर, और इसे भी लगाते हैं उसी लाइन में आई गेस। ओह माय गॉड, हमने इतने सारे टूल्स ले लेके अब जगह ही नहीं बची है। हमें नई शेड शेड अच्छा मुझे याद आया शेड, लेकिन शेड में बहुत दूर पड़ जाएगा। चलो इसकी भी अरेंजमेंट की जाएगी, फ़िलहाल इसे लगाते हैं यहीं पर साइड में और हम चलते हैं अपने अगले काम पर। नए टूल्स आ चुके हैं, नए काम हैं, तो लेट्स गो। पहले तो यार ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, पहले इसको धुलवाना पड़ेगा। तो एक काम क्यों नहीं करें, बाकी जो टूल्स जो यूज़ कर चुका हूँ जो बहुत गंदे हो चुके हैं, पहले उन्हें भी धुलवा लेता हूँ, साथ में लेके चलते हैं। ओके ये रहा कल्टीवेटर, ये भी बहुत गंदा हो चुका है यार। देखो देख पा रहे हो कितने, मतलब ग्रीन कलर था यार, ये मडी कलर हो चुका है यार, कितना गंदा हो चुका है ये। चलो 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 जल्दी धुलवाते हैं इसे। ये आ चुके हैं वॉशिंग पॉइंट पे, और ये हो चुकी है धुलाई शुरू। भाई ग्रीन कलर का था ये, इतना लाइट ग्रीन था, इतना मड पड़ चुका था, लग रहा था कि मडी कलर का ही है ये। चलो यार ये धुला तो गया फाइनली गाइस, मैंने आज इसे धुलवा दिया। ये भी सोच रहा होगा भाई कहाँ आ गया मैं, धुलवाता ही नहीं है, गंदा छोड़ देता है यूज़ करके। लेकिन फाइनली ये धुल चुका है आज, और काफ़ी अच्छा साइन कर रहा है। वैसे शाम होने वाली है, आई गेस हमें जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाहिए ताकि हम अपने नए काम को शुरू कर सकें। आज सिर्फ इसे ही धुलवाते हैं, ये तो देखा जाएगा। और भी इक्विपमेंट्स हैं धुलवाने के लिए, लाइन में लगे हैं अभी, दो इक्विपमेंट्स और हैं आई गेस, दो नहीं तीन है, हमारा ट्रिपर भी तो है। ओके इक्विपमेंट्स इतने आ चुके हैं, रखने का जगह नहीं है, ठीक से पार्किंग करनी पड़ेगी। यार कैसे लगा दिया, ओ ओ ओ ओ ठोकी थी मैंने, मुझे पता था मैं ठोकूँगा। चलो इसको लगाते हैं यहीं पर।
गाइस आप लोग को बिलीव नहीं कर पाओगे, अभी अभी मुझे खबर मिली कि जब मैं पार्क कर रहा था ये व्हीकल, तो जो मिल था वो ग्रेट डिमांड में है कैनोला की, जो हमारे पास फुल भरा हुआ है और अभी वो डिमांड है पूरा करने वाले हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, हमें उसके डबल पैसे मिलने वाले हैं। सो लेट्स गो। पहले हमें अपना ट्रिपर चाहिए होगा जिससे हम कैनोल लेके जाएंगे। तो ये किया हमने ट्रिपर अटैच। अरे यार इसमें तो ऑलरेडी वीक है। अच्छा चलो इसको डालेंगे हम लोग स्टोरेज में और अभी चलते हैं अपने स्टोरेज टैंक के पास। चलो अब ले लेते हैं कैनोला 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 कैनोला। ओके ये रहा, यहाँ बीच में ही था, मैं ढूंढ रहा था। एक सेकेंड, ये हमने किया अपना ट्रेलर पूरा फुल। नाउ लेट्स गो। हमें जाना है जहाँ उसका रास्ता। एक सेकेंड में रास्ता मैप पे देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमें मिल पे ही लेकर जाना है। चलो लेट्स गो। लगता है अभी अभी कोई कार फुल स्पीड में, यही थी क्या सर? यही कार थी, फुल स्पीड में जा रहा था। चलो हमें क्या, हमें तो अपनी डिमांड पूरी करनी है, जल्दी करते हैं यार। डबल पैसे मिलने वाले हैं इस बार, तो मज़ा आ जाएगा और इक्विपमेंट्स लेने के पैसे आ जाएंगे। हो सकता है हम नया ट्रैक्टर ही ले लें, देखते हैं क्या करते हैं। जैसा पैसा आएगा उसके मुताबिक देखा जाएगा। यार $61,000 है हमारे पास, ये पहला डिमांड हुआ पूरा। हमारे पास बस 11 मिनट का टाइम है। सो लेट्स गो एंड लेट्स ब्रिंग द सेकंड ट्रेल। हमें वापस स्टोरेज भी जाना है। ओके सो पहला ट्रेलर तो हो चुका है, सेकंड ट्रेलर भी जा रहा है। ये सेकंड ट्रेलर भी लेके जाते हैं, फिर ये लेके चले हम लोग सेकंड ट्रेलर। इसे भी वहाँ जाके मेले पर पहुँचा देते हैं ताकि हमें इसके भी डबल पैसे मिल जाएं। अभी तक $25,932 मिल चुके हैं इसके और मिलने वाले, मतलब नया इक्विपमेंट लेने के लिए अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। बाकी तो अभी 8 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं कितना जमा कर पाते हैं। चलो अब तीसरा ट्रेलर लाते हैं और उसे भी यहाँ लाके फिल करते हैं। वाह 1,10,000 हो भी चुका है, हमें बस थोड़े से पैसे और चाहिए। नया और पावरफुल ट्रैक्टर लेंगे, मैं तो ट्रैक्टर ही लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत काम है। एक सेकेंड, ये क्या है? ये मैप पे देख रहे हो आप लोग, इस पे भी क्रॉस का मार्क नहीं है और ये कल्टीवेटेड लैंड है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हमारा ही लैंड है यार? ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाएगा, मैं तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक सेकेंड, पहले का डिमांड पूरी कर लेता हूँ फिर आके चेक करूँगा।
दोबारा आके एक बार चेक करूँगा ज़रूर, क्या हो सकता है ये लैंड भी हमारी हो तो कितना यार अच्छा हो जाएगा, एक साथ दो दो क्रॉप कल्टीवेट कर पाएंगे हम लोग। वाओ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन। कुत्ते कहाँ से भौंकने लगे यार, फार्म में भी कुत्ते हैं होंगे आसपास यार, उधर ध्यान नहीं देना मुझे, सबसे पहले तो जाकर डिमांड पूरी करनी है। मुझे लगा आसपास से कुत्ता गया, किधर था वो, छोड़ो यार अपने कोच से क्या, पहले ये ट्रेलर जल्दी जल्दी पहुँचाते हैं, 6 मिनट ही बचा, लगता है मैं 2 ट्रेलर ही और ला पाऊँगा यार, मैंने इससे ज़्यादा ट्रैक्टर के पैसे निकल जाएंगे इससे, और मुझे लगता है अब नहीं निकलने वाला, बहुत स्लो चलता है यार। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, 4th पीरियड लाना है हमें, हमारे पास अभी कैनोला की अच्छी खासी स्टॉक है, बट टाइम का कमी है। थोड़ी सी स्पीड और अच्छी रहती है तो हम लोग पूरी डिमांड कर सकते थे पूरी। अरे देखो अभी भी ये मतलब क्रॉस नहीं दिखा रहा, ये लैंड हमारी नहीं है, ये लैंड हमारी नहीं है, इसलिए इस पर क्रॉस है, लेकिन ये वो लैंड हमारी है इसलिए उस पर क्रॉस नहीं है, तो इस पर भी तो क्रॉस नहीं है यार, मुझे लगता है ना ये अपनी ही लैंड है, हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। चलो देख, चलो 4th ट्रेलर फुल होने वाला है, कम ऑन जल्दी, यस यस यस, 4 मिनट 28 सेकंड बचा है यार, कम से कम एक ट्रेलर का, एक ट्रेलर और हो गया मैं शॉर्टकट लेके जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 3 मिनट 43 सेकंड्स 43, मुझे नहीं लगता मैं सेकंड क्योंकि एक ट्रेलर ही और ला पाऊँगा। 35 + 25 = 60 + 25, अरे यार फिर भी पैसे कम हो जाएंगे, कम हो नहीं यार, जल्दी करो, मैंने तो गलत जगह पार्किंग कर दी, फिर भी पैसे हुआ अच्छी है 61, अरे यार इस पर मुझे लगता है कम दिया है, नहीं नहीं सही है सही है, ओके कम ऑन, ठोक 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 भैया ठोक, पागल है क्या, ठोकेगा सही में, ये पागल है भैया, कैसे कैसे ड्राइवर हैं यहाँ पे, फार्म है क्या इसका मतलब, कुछ भी कितने भी स्पीड में चला दो अजीब ही है। चलो यार मुझे जल्दी पहुँचनी है, जल्दी ड्राइव कर यार, ट्रैक्टर देखें ये बहुत छोटा है, तो चलो इधर से टर्न ले लूँगा, चलो जल्दी फुर कर, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन फास्ट, ओके हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो 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 चलो, यार एक ट्रिप और लगा पता, एक ट्रिप और लगा पता, शिट पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, बस पहुँचा दे भाई मेरे घर, यार हमारा तो किस्मत ही खराब है यार, पेट्रोल एक पॉइंट बचा है यार, एक यूनिट, अगर पेट्रोल ही बचता ना तो मैं कोशिश करता, मगर पेट्रोल ही नहीं बच रहा है, पेट्रोल लाने जाऊंगा तो उसमें अलग टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा, अभी ले पेट्रोल लेने जाऊंगा और फिर वापस लेके आऊंगा, वैसे तो पेट्रोल पंप बगल में ही है मगर टाइम तो लगता है ना यार, कम ऑन, नहीं हो पाएगा, नहीं समझ गया, नहीं हो पाया, 46 सेकंड्स है, अरे यार पेट्रोल टोटल ख़त्म हो गया, स्पीड देख रहे हो भाई, पेट्रोल ज़ीरो पे हुआ, मुझे तो लगा बंद ही हो जाएगा, पर नहीं चल रहा है, लेकिन स्पीड आधी हो गई है, तो चलो 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 चलो, इतना में काम अपना बन जाएगा, चलो 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 चलो, यार थोड़े से पैसे और मिल जाते हैं, पूरे पैसे नहीं पूरे पूरे पूरा इंतजाम हो जाता है, अब तो नहीं हो पाएगा, चलो तब तक ट्रेलर ही धुलवा लेता हूँ, हटाओ, उसमें शायद हमने कल्टीवेटर धुलवा लिया था, टिपर नहीं धुलवाया था, ट्रेलर चलो अच्छा है यार, ट्रेलर भी धुल गया,
साफ सुथरा लग रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ ले ही लूँ। अरे हाँ, एक काम भी तो कर सकते हैं, हमारे पास सिमला का अच्छी खासी स्टॉक है, तो हम इससे स्टोर भी तो कर सकते हैं। मतलब वो जो मिल है, जो प्राइस स्टैटिक्स, हाँ प्राइस स्टैटिक्स मैं चेक करता हूँ। प्राइस स्टैटिक्स ओके, हमारे पास कैनोला तो कम है लेकिन वीट बहुत ज़्यादा है। ये देखा, हमारे पास वीट बहुत ज़्यादा है, हम वीट भी सेल कर सकते हैं। सो कैनोला का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स चेक द प्राइसेस। यस, कैनोला का प्राइस बहुत ज़्यादा है। कितने है? 2331। ओके सो वेयर इट इज, स्टेशन के पास। चलो स्टेशन चलते, स्टेशन मुझे याद नहीं है, मैंने कभी स्टेशन गया नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे याद नहीं है स्टेशन है कहाँ पर। मैप पे चेक कर लेंगे, मैप पे चेक करके चलते हैं स्टेशन के पास, वहीं पे सेल कर देते हैं। प्राइस तो उतना नहीं मिलेगा पर हाँ अच्छी खा इतना प्राइस मिल जाएगा कि हम लोग एक नया ट्रैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि यह ट्रैक्टर यार बहुत स्लो है। अभी देखा तुम लोगों ने गाइस कितना स्लो चला ये, इसके स्लो चलने के कारण हम लोग पूरा सेल नहीं कर पाए। एक ट्रेलर आ जाता ना वो ट्रैक्टर आ जाता, पर कोई नहीं। अब हम लोग जाएंगे स्टेशन के पास, पहले प्राइसेस एक बार फिर से चेक कर लूँ क्या। प्राइसेस स्टेशन के पास ही है, अच्छी बता रही है। चलो कोई नहीं, स्टेशन है कहाँ, स्टेशन लेट मी चेक। अच्छा ये रहा स्टेशन, यहाँ है। सो हमें जाना होगा उसी रास्ते से, बस राइट की जगह लेफ्ट टर्न लेना होगा। ओके सॉरी वेट अ सेकंड, आई गेस ना राइट की जगह लेफ्ट टर्न लेंगे तो पहुँच जाएंगे। चलो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के रास्ते पे, और आई गेस आगे ही है वो रहा वहाँ सामने। चलो यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं, वो रोड के रास्ते में जाएंगे, बहुत लॉन्ग पड़ेगा। चलो 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 ओके, बस पहुँचने ही वाले हैं। यही है ना स्टेशन, हाँ ये तो रहा, यहाँ पे शो भी कर रहा है ट्रेन टाइप का। भाई लेकिन ये कौन से जमाने का स्टेशन है यार, किस एंगल से स्टेशन लगता है ये, यहाँ तो कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है, भूत बंगला है क्या, क्या ही स्टेशन है यार। यहाँ कोई ट्रेन वेन भी आती है नहीं, पता नहीं। चलो कोई नहीं, अपना काम बनाए से अपना काम बन जाएगा। ओके यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन, ओह माय गॉड 2 लाख यार अपने पास तो नए ट्रैक्टर के पैसे आ गए। चलो ट्रैक्टर ले ही लेते हैं यार, वेट नहीं करना मुझे। 162 194 245, ये ले लूँ क्या, वेट कर लेता हूँ। लैम्बोर्गिनी है नहीं, यही ले लेते हैं, 45 भी चलेगा अपने को, बाद में और अच्छा ट्रैक्टर ले लेंगे या फिर इसे भेज दूँ। नहीं दो ट्रैक्टर तो ज़रूरी है, यही ले लेते हैं। ओके वाह, हम लोग नए ट्रैक्टर में आ भी गए। ओह माय गॉड क्या स्पीड है यार इसकी, उससे तो काफ़ी अच्छी है। चलो उस पर पहले उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये है कहाँ, अच्छा हम लोग स्टेशन के पास आए थे। अच्छा कोई नहीं, अच्छा लगता है ये आस पास ही है, ये जो दूसरा ट्रैक्टर है आस पास ही नहीं है। अच्छा वो तो रहा वहाँ सामने है। ओके सो गाइस, पहले ही मैंने वो जो ग्रीन वाला हमारा पुराने वाला ट्रैक्टर था उसे मैंने वहीं पे लगा दिया जहां वो होना चाहिए, और हम अपने ये नए रेड ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं। इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, मैं पहले ही बता देता हूं, बहुत मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में। फुल स्पीड करते हैं और चलते हैं वहीं जहां हमने अपने पुराने ट्रैक्टर को लगाया है, और वहीं पे बगल में इसको भी लगाएंगे। चलो ओके स्टॉप, पहले लेते हैं रिवर्स। यार लुक देखो यार इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। आई गेस उससे बड़ा है ये व्हील्स, शायद व्हील्स, हाँ ये उससे बड़ा है और व्हील्स भी बड़े हैं इसके।
सो हमारे पास अब हो गए हैं दो पावरफुल ट्रैक, मतलब एक ही है, एक तो थोड़ा लेकिन है, दो ट्रैक्टर हो गए हैं और एक हार्वेस्टर हो चुका है। सो चलो बाकी जो धोने वाले काम थे उसको पूरा करते हैं, क्लीनिंग वाले, क्योंकि हमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो गंदे हो चुके हैं। ट्रैक्टर तो हमने और ट्रिपर और कल्टीवेटर धुलवा लिया था, बाकी अभी बच गया है। चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको लेके जाएं या फिर नहीं धोने के लिए, यार नया है इसी को लेके चलते हैं। ओ ओ ओ ठोक दी यार मैंने, चल भाई। ओके कल्टीवेटर हमने धो लिया था, अब बचा है ये फर्टिलाइज़र। सो लेट्स गो। यार ये भी काफ़ी गंदा हो चुका है, देख रहे हो कितना गंदा हो चुका है ये। चलो कोई नहीं, इसको भी धुलवा लेते हैं। और इसमें आई गेस अभी 56% फर्टिलाइज़र है, वाओ। चलो चलो, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और साउंड भी अच्छा है यार, रियल फील देता है। कमन कमन कमन, देख रहे हो कितनी जल्दी पहुंच गए हम लोग, मतलब कुछ सेकंड्स होते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन। चलो ये भी धुल गया, इसके बहाने अब लग रहा है ब्रांड न्यू। ओ ओ ओ, ओ मैंने फिर ने ठोकने थी। चलो कोई नहीं, पहुंचने ही वाले हैं, फार्म पे पहुंचते हैं, फिर ले आते हैं अपने दूसरे इक्विपमेंट को, उसके बाद लेके चलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, हार्वेस्टर को देख रहे हो ब्राउन कलर हो गया, येलो कलर था ये। कैसा लग रहा है यार, लग रहा है सालों पुराना थर्ड क्लास हार्वेस्टर ले लिया है हम लोगों ने। चलो कोई नहीं, इसको ही धुलवा लेंगे, अब सबको धुलवा ही लेते हैं। ओके ये हुई ना बात, चलो 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 चलो, अब बारी सोइंग मशीन की। यार धुलवाने के बाद लगता है एकदम ब्रांड न्यू हो चुका है, एकदम ब्रांड न्यू लगता है। ओके हमें ये भी चेक करनी है कि वो, हमने बताया था, मैंने बताया था कि हम, मुझे डाउट है यार, मुझे लगता है ये लैंड भी हमारी है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे ये इस मैप में, ये इस पे क्रॉस है ये हमारी नहीं है, इस पे क्रॉस है ये हमारी नहीं है, इस पे क्रॉस है ये भी हमारी नहीं है, बट ये लैंड और ये लैंड दोनों पे क्रॉस नहीं है, यानी कि वो भी लैंड हमारी है, हम उस पे भी कल्टीवेशन कर सकते हैं आई गेस। ओके ठोक दी मैंने यार, ये बहुत फास्ट है, इसको चलाने में अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट हम इसे भी चला लेंगे, कोई नहीं। स्ट्रेट चलाओ तो उतना मतलब स्पीड इसकी है नहीं मतलब, लेकिन जब टर्न लेते हो तो थोड़ा होता है। ओके पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी तो कोई मशीन बचा नहीं, बस यही था। ओके बैक बैक, लगता है मैंने टच कर दिया उसमें। ओके डन, अब किसकी बारी, अब हार्वेस्टर की। ये कौन सा है, अच्छा ये हमारा ट्रैक्टर हो गया, ये आया हार्वेस्टर। यार आवाज़ देखो यार, इसकी इतनी भारी हो चुकी है ना, चल भी नहीं रहा है अब, 14 की स्पीड, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा। चलो इसे भी धुलवा लेते हैं, उसके बाद आई गेस हमें आज बेलिंग टूल को यूज़ करके देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये जो हार्वेस्टर पीछे से ये जो येलो येलो धूल गिराता है वीट कटिंग के, आई थिंक उसको ही बेलिंग टूल से ही में बदल के मतलब यूज़ कर सकते हैं। चलो देखते हैं यार, कितना स्लो चलेगा तू, चल ले भाई। ओके तो हम लोग पहुंच चुके हैं वॉशिंग पॉइंट पे और ये धुलना शुरू हो गया, अभी जाके इसको लग रहा है। हाँ भाई हार्वेस्टर है तो दिख ही नहीं रहा था। चलो अब धुल के हो चुका है पूरी तरह से ब्रांड न्यू, व्हील्स भी हो जाते हैं ब्लैक यार, अच्छे लगते हैं, अभी लग रहा है ब्रांड न्यू हार्वेस्टर।
वाह, पता नहीं कबाड़ ही बना के रख दिया था हम लोगों ने। मैं जब से आया तब से इसकी मतलब धुलवाया ही नहीं। चलो कोई नहीं, अब मुझे एक अच्छी पार्किंग देखनी होगी। मतलब हर टाइम ऐसे पार्किंग करके रख नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता है इसका प्रॉपर पार्किंग करने का। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझे कैसी पार्किंग करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। क्या इन सारे इक्विपमेंट्स और मशीन्स को साथ में रखूँ या ट्रैक्टर्स और मशीन्स को हार्वेस्टर को अलग रखूँ। कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना है। चल भाई जल्दी चल, एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं लगा देता हूँ। वैसे भी यहाँ से दोनों फार्म्स नज़दीक पड़ेंगे, मतलब फील्ड्स दोनों। क्यों बोल रहा हूँ यार, अभी तक कंफर्म तो किया नहीं कि वो हमारा है। चलो कंफर्म कर ही लेते हैं। ये रहा अपना ब्रांड न्यू ट्रैक्टर। क्या करूँ, पहले कंफर्म कर लूँ या कंफर्म कर लेते हैं। दो मिनट लग गया, दो मिनट क्या, दो सेकेंड। ओ ओ ओ ओ, मैंने बेलिंग टूल कनेक्ट कर लिया। चलो कल्टीवेटर हो गया कनेक्ट। अगर वो हमारा फील्ड होगा तो मुझे ये वार्निंग नहीं मिलेगी। मतलब देखो, अगर मैं किसी और के फील्ड पे जाऊँ तो मुझे अगर कल्टीवेशन शुरू करूँ तो ये वार्निंग आती है। हाँ हाँ समझ गया मैं, ये हमारी फील्ड नहीं है, हम इस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। पर अगर वो भी हमारी फील्ड है तो हमें उस पर वार्निंग नहीं मिलनी चाहिए। ओके लेट्स गो। क्या कल्टीवेशन, ओ ओ ओ, ये हमारी फील्ड है गाइज, ये इस पर हम वर्क कर सकते हैं। यू कैन सी दैट, ये हमारी फील्ड है। सो हमारे पास टोटल हैं दो फील्ड्स, यानी कि एक साथ हम दो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। वाओ, चलो ये तो कंफर्म हो चुका है, मगर अभी हमें नए टूल्स को, नए इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। सो इसको छोड़ते हैं यहीं पे, या फिर वहीं ले चलूँ। चलो वहीं लेके चलता हूँ, वैसे भी टूल्स तो वहीं से उठाने हैं। ओके हियर वी गो। अच्छा वही सोचूं मैं, इतना स्लो क्यों चल रहा है। मैंने कल्टीवेटर को डाउन करके रखा था। ओके अरे यार, ये टेढ़ा कैसे हो गया। रुको अभी सीधा करता हूँ। ओके मुझे पता है यार ये प्रॉपर पार्किंग नहीं है, पर क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना सारा काम है। ओके ये बेयरिंग टूल हो गया कनेक्ट। चलो अभी इसे यूज़ करके देखते हैं कैसा है। वाह, तो इसे यूज़ करना, अच्छा यहाँ पे बटन है, मुझे इस पर चलाना होगा क्या। हाँ मुझे इसी पे चलाना है। ओके ये वर्क कर रहा है गाइस, ये वर्क कर रहा है। वो देख रहे हो वो बेल्स जो निकल रहे हैं। ओके ये हमारे बड़े काम के हैं, इससे वो काउज और सीप्स को मतलब दे सकते हैं खाने के लिए। उसके बदले में मतलब वो काउज से हमें दूध मिल जाएगा और सीप्स से वूल। ओके भाई लग रहा है, पता नहीं कौन सा मिल चल रहा है अंदर, टटक टटक। ओके हमें एक एक करके ये पूरा रो क्लीन करना होगा। चलो कोई नहीं। सो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ का काम पूरा हो चुका है और हम अब लास्ट रो क्लीन करने वाले हैं। चलो जल्दी से यार, एक्चुअली ये रो स्टार्टिंग में छूट गया था, सो इसे भी क्लीन कर लेते हैं। लेट्स गो। ओके 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 चलो ये रो भी क्लीन हो चुका है, तो हम इस मशीन को अब करते हैं बंद और इसको ले जाके पार्किंग में लगा देते हैं और ले आते हैं। यार ले आते हैं मतलब अब कौन सा टूल, मतलब वो उठाना भी तो होगा उन्हें, वो जो बेल वहाँ पे जो पड़े हैं फील्ड में, उन्हें उठाने के लिए कोई टूल होना चाहिए आई गेस। इन्हीं में से कोई टूल हटाएगा, पहले चेक कर लेते हैं। मेरे पास दो ट्रेलर टाइप का है और मुझे लगता है ये किसी ट्रेलर में ही उठेगा। ये तो नहीं, इसमें तो कुछ कांटे टाइप लगे हुए हैं। ये तो नहीं, मुझे नहीं लगता ये उठाएगा। एक सेकेंड, वो भी तो यार एक ट्रेलर स्टोरेज जैसा है, उसे भी तो चेक कर सकते हैं। कुछ मुझे नहीं लगता ये ग्रीन ट्रेलर में हम लोग उठा पाएंगे उसे। चलो
चलो चेक करते हैं, क्योंकि इसमें देख लो ये साइड में कुछ लगा हुआ है, मतलब लग रहा है जैसे नीचे होता है उसमें व्हील लगी हुई है, मुझे लग रहा है यही होगा ऑटो स्टैक, आई गेस सो। ये देख रहे हो यहाँ पे इसमें भी एक व्हील लगी हुई है और आई गेस यही उठाएगा, चलो चेक करते हैं, नहीं होगा तो देखा जाएगा। कैसे लूँगा कैसे यार, ओके स्लो स्लो, ओके हो गया हो गया हो गया हो गया, ओके चलो 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 चलो, सो गाइस चलो इसे भी ट्राई करते हैं। ओके इस मशीन को करना होगा हमें ऑन, और अरे मैंने डिटैच ही कर दिया, कनेक्ट हो जा भाई। हाँ चल कनेक्ट हो गया, इसको वर्किंग में करते हैं। ओके ये निकल गया, देख रहे हो देखो साइड से निकला है कुछ, आई गेस यही पिक करेगा, चलो ट्राई करते हैं। ओके इसी से पिक करना है, चलो शुरू करते हैं काम। तो आज हमने दो मतलब बिलिंग दो टूल्स यूज़ कर लिए हैं, बाकी के टूल्स यूज़ करना ही बाकी है। चलो चेक करते हैं बाकी के टूल्स कैसे हैं, पर मैं सोच रहा हूँ चलो रुको चेक कर लेते हैं पहले ये काम पहले तो ख़त्म हो जाए। ओके अरे यार ये अच्छा ये मतलब जब तक लोड होता है तब तक ये पिक नहीं करता है, ओके। अरे यार मैंने ये कैसे घुमा दिया ट्रैक्टर को, ओके चलो रुको 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 हो जाता है हो जाता है हो जाता है, कमऑन कमऑन, अरे छोड़ो यार इसको बाद में पिकअप कर लेंगे। बाकी कहाँ है, ओके उधर है, लेट्स पिक देम अप। तो शायद हमने ऑलमोस्ट सारे बेल्स को पिक कर ही लिया, बस लास्ट वो बचा है जो हमने छोड़ दिया था, चलो उसे ये पिक कर लेते हैं और इसे ले जाके देते हैं। हम लोग किसे दें, शीप को दें या काउ को दें, शीप को देते हैं, इसको शीप शेड में रखते हैं। चलो यही लास्ट था ना, और कहीं बचा नहीं है ना, चलो पहले इसे बंद करते हैं। ये हो गई हमारी स्पीड इंक्रीज़ और ये हम लोग जाके देंगे इसे शीप को, यानी कि शीप शेड में रख देते हैं, वो कंज्यूम कर ही लेगा। चलो ये रहा, ओके अच्छा ये स्टोर हो जाएगा अपने आप, ये स्टोर हाउस है और शीप से यहाँ से कंज्यूम कर लेंगे, वाओ। सो फाइनली गाइस हमने बेलिंग के दो टूल्स यूज़ कर लिए हैं, अब इसे आते हैं वापस पार्किंग में पार्क करके, और हमारे पास अब हो। सो गाइज वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और आप लोग मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके बताना मुझे क्या ऐड करना चाहिए क्या रिमूव करना चाहिए, और यहाँ पार्किंग के लिए कमेंट ज़रूर करना मुझे पार्किंग शेड कहाँ बनानी चाहिए। तो इसके पार्क करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड तो इसे पार्क करते हैं यहाँ पे, एंड आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस जरूर कर देना ताकि नई वीडियो आते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।